नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल और फिट लाइफ का चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव या इंक्रीज ग्रिप स्ट्रेंथ, आप अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ग्रिप स्ट्रेंथ की मजबूत होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस चीज़ को आप समझ सकते हो, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ का कॉन्टैक्ट होता है, ग्रिप का कॉन्टैक्ट होता है, या हम वेट लिफ्टिंग करते हैं या कैरी करते हैं या थ्रो करते हैं या स्विंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ग्रिप इन्वॉल्व होती है एक्सरसाइज। तो हमें अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप वेट ट्रेनिंग करते हो उसमें हमारी ओवरऑल ग्रिप बढ़ती है, लेकिन उसमें एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे जो ग्रिप फोरआर्म्स होती है उसमें दो मसल होती है, एक एक्सटेंशन मसल होती है जो कि जस्ट नीचे होती है। जो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें आपकी फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेन होती है, ओवरऑल भी बढ़ती है, लेकिन फ्लेक्सर मसल ज़्यादा आपकी मसल फाइबर ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो हमारा दूसरी जो मसल होती है वो है आपकी एक्सटेंशन, जो कि ऊपर होती है। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं मुट्ठी को बंद करता हूँ तो जब मैं मुट्ठी बंद करूँगा तो मेरी फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व होगी। आप अगर आप देखिए ठीक है नहीं तो आप फील कर सकते हो मसल को, जब आप मुट्ठी बंद करोगे तो फ्लेक्सर मसल आपकी ज़्यादा एक्टिवेट होगी। जब आप मुट्ठी को ओपन करते हो या फिस्ट को ओपन करते हो तो आपकी एक्सटेंशन मसल, ये ऊपर का एरिया, जब आप ओपन करोगे इस तरीका से मुट्ठी को ओपन करोगे तो आपकी एक्सटेंशन मसल इन्वॉल्व होगी, ज़्यादा एक्टिवेट होगी। तो हमें इसी मसल को ट्रेन करना है। तो मैं आपको आज को 7 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप ये ट्रेन कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज को। तो नंबर 1 कौन सी एक्सरसाइज है, वो है आपकी रिवर्स कर्ल, जो कि ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है और कॉमन एक्सरसाइज है, आपके बाइसेप्स में भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इससे आपके डीपर मसल होती है, ब्रेक एरिस जो कि इंसर्ट होती है आपके फोरआर्म्स में और आपके बाइसेप्स में, और ब्रेक एरिस ये दोनों को टारगेट करती है। इसकी इसको किया कैसे जाता है, तो नंबर 1 आप स्ट्रेट बार भी ले सकते हो, कर्लिंग बार भी ले सकते हो, या जो पुली पुश डाउन में यूज होती है छोटी बार वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका वेट कम से कम 10 kg होता है। तो आपको सबसे पहले अपने दोनों आर्म्स को अपनी रिब केज से टच करना है, इसको बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ रिब केज से टच करके रखोगे, और हाथ रिवर्स ग्रिप से पकड़ना है आपको शोल्डर लेवल पे, और यहाँ से ऊपर लेके जाना है आपको। एक्सहेल करोगे, 2 सेकंड तक होल्ड करोगे, 1-2 काउंटिंग करोगे, उसके बाद धीरे से 3 times 1, 2 and 3 ऊपर लेके जाओगे, 1, 2, 3 फिर होल्ड करोगे, उसके बाद 3 काउंट करोगे, 3, 2 and 1 2 से 3 सेट रिपीटेशन 10 से 12 reps। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है आपकी फार्म वॉक विद प्लेट, आपको कोई प्लेट लिफ्ट कर सकते हो, या 10, 5 अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, या 10 kg। तो आपको प्लेट्स को ग्रिप में नहीं पकड़ना, इस तरीका से हमको फिंगर में पकड़ना है, मतलब कि एक तरफ आपकी फिंगर रहेंगी और एक तरफ आपका थंब रहेगा, अंगूठा रहेगा, और इस तरीका से पिंच करना है आपको, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है उसमें आपको पकड़ना है इस तरीका से, और इस तरीके कम से कम 20 स्टेप आपको चलना है, 20 कदम चलना है, उसके बाद फिर 20 वापस आना है, 40 कदम आपको चलना है, कम से कम 2 सेट 2 से 3 सेट आप कर सकते हो। ये नंबर 3 एक्सरसाइज है आपकी स्टैंडिंग टेबल रो विद टॉवल, छोटी टॉवल का यूज करना है, बड़ी टॉवल यूज नहीं करनी है, इसको इस तरीका से रोल कर सकते हो, रोल करके इसमें कोई हैंडल वैंडल नहीं लगाना, आपको टॉवल से ही करनी है, इसको इस तरीका से टाइट ग्रिप पकड़ोगे तो अगर ये देखोगे आपकी एक्सटेंसर मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो हमें एक्सटेंसर को ही ट्रेन करना है, जितनी एक्सरसाइज है ये एक्सटेंसर को ही ट्रेन करती है, ओवरऑल ग्रिप भी बढ़ती है लेकिन एक्सटेंसर पर ज़्यादा एक्टिवेट करती है मसल फाइबर, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चेस्ट अपराइट चाहिए, अपने अपने आर्म्स को अंदर की तरफ करोगे, ग्रिप केस से टच करोगे, और चेस्ट अप फुली कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी बैक मसल को भी इन्वॉल्व होगी, इसी एक्सेल करोगे पीछे, इसके भी आप 2 से 3 सेट और रिपीटेशन 10 से 12 reps। चौथी एक्सरसाइज आपकी है फिंगर टिप पुशअप्स, इसमें आपको नीचे अपने फिंगर्स को नीचे रखना है, पाम को नहीं रखना, फिंगर्स पे आना है आपको, फिंगर्स पुशअप्स करनी है आपको, पीछे दोनों पैर को लेके जाओगे और बैक चेस्ट अप रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करोगे इसको टाइट, एक बार जितना कर सकते हो, उसके बाद आपको नीज बैंड करने हैं
और फेलियर पुशअप्स। ये आपको 2 से 3 राउंड और फेलियर पुशअप्स करना है। नंबर जो 5 एक्सरसाइज है आपकी, वो आपको बॉल लेनी है, टेनिस बॉल या रैकेट बॉल होती कोई भी, उसको आपको जो हम 4 उंगली में उंगली में पकड़ना है आपको, और इस तरीके से पिंच करना है मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सकता है, जितना वो जब तक फटी ना हो, जब तक आपको पेन ना मिले, मतलब 1 या 2 मिनट तक कंटिन्यू आपको इसको पिंच करना है। देखोगे आप तो जो आपकी एक्सटेंसर मसल है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप हाथ लगाओगे तो फील कर सकते हो कौन सी मसल ज़्यादा एक्टिवेट हुई है। तो इसको 2 से 3 बार करना है मेल फेलियर तक, एकदम जब तक आपको ठीक ना हो जाए। उसके बाद नंबर 6 से आप ये रबर बैंड से कर सकते हो, इसको अपनी इस चीज का ध्यान रखें, आपको फिंगर्स को बंद नहीं करना, ओपन करना है। जब आप फिंगर्स को इस तरीके से ओपन करोगे तो आपकी एक्सटेंशन मसल इन्वॉल्व ज्यादा है, तो इसको आपको फटीग करना है 2 से 3 बार, जब तक पेन ना हो स्टार्ट हो, आप कम से कम 2 से 3 बार, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक लगातार फिंगर्स को ओपन करना है। इस तरीके से आप टच करोगे, हाथ को ऊपर रखोगे तो फील कर सकते हो मसल को, एक्सटेंशन मसल इन्वॉल्व ज्यादा है। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है आपकी कैटलबेल। मेरे पास कैटलबेल नहीं, लेकिन अगर आप जिम जाते हो तो वहाँ पे कैटलबेल आपको अवेलेबल होगी। तो आपको कैटलबेल को पकड़ना है ऊपर से, और जो उसका बॉटम होता है उसको ऊपर ले ऊपर रखना है इस तरीके से, और यहाँ से आपको इस तरीके से करना है, तो आपके एक्शन से मसल इन्वॉल्व ज़्यादा है। तो उसके 2 से 3 सेट रिपीटेशन 10 से 12 रैप्स। ग्रिप स्ट्रेंथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रिप का इन्वॉल्व काफ़ी जगह है। आप जैसे कि अगर इन फ्यूचर में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई आप टेनिस खेलते हो, या आप बॉलिंग करते हो, या रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो आप, या आप गोल्फ खेलते हो आप, तो इनमें आपकी ग्रिप अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ के साथ आपका अगर आम राइसिंग करना चाहते हो तो ग्रिप स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। या किसी से आप हैंडशेक करते हो तो पता चलता है कितना आपको कॉन्फिडेंस अलग आता है जब आप किसी से हाथ मिलाते हो, तो या आप जार ओपन करना है तो उसके लिए भी ग्रिप स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। तो काफ़ी जगह ग्रिप स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं हमारी ये मसल ट्रेन होती है, हमको इस पर फोकस करना है। तो इनमें से आप कोई भी 2 या 3 एक्सरसाइज पिक करके अपने एक्सरसाइज के शेड्यूल में ऐड कर सकते हो। वीक में 3 दिन या 4 दिन कर सकते हो, या 3 से 4 दिन तो जरूर करें एक्सरसाइज के बाद, 2 या एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज पिक करें। तो अगर इस वीडियो से आपको सीखने कुछ मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। थैंक यू वेरी मच।